Assalamu alaikum dear all. Today we are going to discuss the use of correct form of verb. In the sentence structure, this is very very important. In the sentence structure, it is verb is used just after helping verb, and today we are going to learn the use of correct form of verb. So first of all, we will discuss use of first form of verb, which is also called present form. जितने वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखूँगा, आपने इन वर्ड्स के बाद जब भी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। हमें अक्सर परेशानी होती है वर्ब की सिलेक्शन करने में, हम अक्सर अपनी मर्जी से सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपने इन वर्ड्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वो वर्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वर्ड्स हैं ये डू, डज, डिड, शैल, शुड, will, would, can, could, may, might। अब हालांकि do, does की did second form है, लेकिन हमने इसके साथ भी first form, इसके साथ भी first form use करनी है, इसके साथ भी first form of verb use करनी है। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जब भी इन वर्ड्स को आप पढ़ेंगे, इनके बाद अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, वर्ब रिक्वायर्ड होगा, तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप टू वर्ड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, इसमें आप इंग्लिश में बहुत सारी एक्सेप्शन है, इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कोई ये जो रूल है ये 90% या 95% तक वैलिड रहेगा, 5% इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि पहले हमें वो रूल सीखना होता है, वो बेसिक सीखनी होती है जो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है। सेकेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हुक्म या इल्तजाई फिक्र, जिसमें आप ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, और ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं, किसी को कहता है, कोई हुक्म देता है, गेट आउट, और ये ऑर्डर है। अगर आप इसमें जिक्र करेंगे वर्ड प्लीज का, तो ये रिक्वेस्ट बन जाएगी। यानी कि अगर आपने वर्ड प्लीज़ जिक्र किया तो ये बन गई रिक्वेस्ट यानी इल्तजा, और अगर आप उसमें प्लीज़ जिक्र नहीं करें तो ये ऑर्डर है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके अलावा थर्ड वन यूनिवर्सल ट्रूथ, जो अक्सर प्रवर्ब भी यूज़ होती हैं, उनमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जैसा कि टू डाउन की मदद करते हैं, जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी गॉड हेल्प्स दोज, या हेल्प्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, और एस का इजाफा हमने इसलिए किया कि प्रेजेंट फॉर्म में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ में भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो तमाम काम जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, प्रेजेंट एक्टिविटी में करते हैं, डेली परफॉर्म करते हैं, उनमें हम अक्सर वर्ड इन वर्ड्स का यूज़ भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफनली, ऑफन, मोस्टली, यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ डेट यू परफॉर्म इन योर डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो आप करते हैं, जो एक्टिविटीज़ आप डेली करते हैं, उन इन वर्ड्स के साथ भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये था यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, एंड इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग मोर क्वेरी इवन देन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। Thank you very much for the first form of verb. In the next lecture, I will teach you second, third, and the fourth form of verb. Thank you.